जवाब लागा हाय हाय जवाब लागा लागर नमक इसका हार तेरे इसका ते क्या नाम है आपका? मेरा नाम जुनेत्रा दास है। जुनेत्रा आप क्या करती हैं? मैम मैं थोड़ा बहुत शोज वगैरह कर लेती हूँ। अच्छा शोज करती हैं? मतलब ऐसा होता है कि बहुत रात रात तक शोज चलता है वहाँ पे, लोग इतना मतलब उनका नजरिया जो है एक सिंगर को जज करने का वो अच्छा नहीं है। जब मैंने ये क्लिप देखी तो मुझे लगा कि हाँ ये स्क्रिप्टेड है और इसमें इमोशनल नहीं था, अभी शो के अंदर ड्रामा नहीं था, वो क्रिएट कर दिया गया है। लेकिन जो स्टोरी इन्होंने उठाई है, यानी कि जुनेत्रा दास की जो स्टोरी उठाई है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप एक बार ये चीज़ देखिए, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि जो जुनेत्रा दास है इंस्टाग्राम पर फोटोज़ इस तरह से डालती है तो लोगों किस तरह से लोग इनकी इज्जत करेंगे। आप इधर देख सकते हैं लोग किस तरह से लिख रहे हैं। किसी ने लिखा है सब जगह इंसानों की गलती नहीं होती, कभी कभार जो ये फोटोज डालते हैं इधर भी इनकी गलतियां होती हैं। ये आप देख सकते हैं, किसी ने लिखा है कि जैसी वीडियो डालोगे वैसा ही तो रिएक्शन मिलेगा लोगों से, और रिप्लाई में भी किसी ने लिखा है कि वेरी ट्रू। तो कहीं ना कहीं जो कमेंट्स में हैं, जो लोगों का ओपिनियन है जुनेत्रा दास को लेकर, वो यही है कि भाई ये ना पोस्ट अच्छी नहीं डालती, इनके इंस्टाग्राम पे अच्छी वीडियोस नहीं हैं, इसीलिए लोग उनको उसी नज़र से देखते हैं। लेकिन मैं इनका इंस्टाग्राम दिखाने से पहले आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वो आपको ज़रूर समझनी चाहिए। आप इधर देखिए स्क्रीन पे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको बहुत सारे बोल्ड शूट नज़र आएंगे गर्ल्स के, और जो ये बोल्ड शूट कैटेगरी होती है ये कब आई थी इंडस्ट्री के अंदर, वैसे तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है वो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। उसके बाद हम इनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखेंगे कि बेसिकली ये क्या पोस्ट करती हैं। नहीं गाइज, अगर हम बोल्ड फोटोशूट के बारे में थोड़ा जाने के ये क्यों गर्ल्स क्लिक करवाती हैं, क्यों मॉडल्स क्लिक कराती हैं, तो इसके पीछे का जो रीज़न है, बोल्ड का मतलब होता है निडर, ना डरने वाला, शौर्य, दबंग, वीर, दिलेर, इस टाइप का मतलब होता है बोल्ड का। और अगर कोई गर्ल बोल्ड फोटोशूट कराती है तो अपने फोटो के जरिए वो ये दिखाना चाहती है कि वो कितनी निडर है, वो इतनी निडर है कि वो इस तरह के फोटो शूट करा सकती है। अगर आप में दम है तो आप भी एक बोल्ड फोटोशूट करा के अपनी निडरता दिखा सकते हैं, बेसिकली ये था। लेकिन आजकल के जो गर्ल्स हैं जो बोल्ड फोटोशूट करा रही हैं, जिनको पता ही नहीं है बेसिकली बोल्ड का मतलब क्या होता है, इस फोटोशूट का मीनिंग क्या निकलता है, वो फिर कुछ भी कराती हैं, और जिसकी वजह से बोल्ड फोटोशूट और जो न्यूडिटी है इसके बीच में एक थिन लाइन होती है, उस लाइन को ब्रेक कर देती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो वास्तव में बोल्ड फोटोशूट की जो खूबसूरती है वो बेकार हो रही है आज के टाइम में, और कहीं ना कहीं जो रियल में बोल्ड फोटोशूट्स होते हैं उनको भी बेकार बताया जाता है। अब हम बात करते हैं जुनेत्रा दास का फोटोशूट कैसा है और क्यों, क्या वास्तव में उनको इस चीज़ के ऊपर हेट मिलना चाहिए या फिर नहीं, जिस तरह से प्रोमो में भी दिखाया गया, जिस तरह से लोग इनको ट्रीट करते हैं, क्या वो करना चाहिए या नहीं, उसके लिए मैं इनके ऑफिशियल अकाउंट पर आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं। बेसिकली इनके फोटोशूट अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये कैटेगरी बिल्कुल बोल्ड फोटोशूट की है, एक नॉर्मल फ़ोटो है, किसी भी तरह का कोई ऐसा नहीं है कि आप इससे ऑफेंस हो सके या कोई सेंसिटिव पोस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं, आप देख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल फ़ोटोज़ हम इनको बोलेंगे। मैं एक एक करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बेसिकली ये फ़ोटो भी बोल्ड फोटोशूट्स के अंदर ही आता है, आपको और दिखा देता हूँ आपको। जैसे आप ये फ़ोटो देख सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई ऐसा वो नहीं है कि इसको हम ये बोल सके कि भाई ये फ़ोटोशूट गलत है। आगे चलिए, आगे देखते हैं, जैसे कि ये फ़ोटो आप देखिए, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये फ़ोटोशूट बोल्ड फोटोशूट नहीं है, ये गलत है, और इस तरह के फ़ोटोशूट ही कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिविटी का कारण बनते हैं, गर्ल्स की नेगेटिविटी का कारण बनते हैं।
लेकिन देखो आपका नजरिया सही हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई आपका नज़रिया गलत है, बट एक दूसरा नज़रिया भी है, उस नज़रिए से हम इस चीज़ को देखेंगे। अगर कोई भी इंसान, एक इंसान अगर चलता है, आप उसके पीछे चलते हैं, तो आपको भी ये चीज़ें दिखती हैं जो आपको इस फोटो में दिख रही हैं। तो उस वक्त आपके दिमाग में क्यों नहीं आता कि भाई ये भी तो गलत है। अब वो इंसान क्या करे, क्या इन चीज़ों को घर पे रख के आए हो, उसके बाद मार्केट में निकले, क्या करे वो? तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही नॉर्मल फोटो है। अगर आप थोड़ा सा अपना यूज़ करें, ब्रेन सोचें कि हाँ भाई इसमें क्या ही गलत है। एक बोल्ड फोटोशूट है जिसके अंदर आप जो फोकस है अपने पीछे कर रहे हो, और इस फोकस को करने का सिर्फ ये मतलब है कि ये एक निडरता को दिखाता है, एक आपकी ऐसी पर्सनैलिटी को दिखाता है जो हर कोई नॉर्मल बंदा नहीं दिखा सकता। अगर दम है तो एक बॉय भी अपने इस तरह से बट्स को दिखाकर फोटोज क्लिक कराता तो उसमें भी लगता है यार लोग क्या कमेंट ही करेंगे। तो यही निडरता होती है फोटोशूट के जरिए, इसी को बोल्ड फोटोशूट बोलते हैं बेसिकली। लेकिन मैंने जैसे बोला था ना, बहुत सारे लोग इस थिन लाइन को क्रॉस कर देते हैं जो कि फिर वो गलत चीज़ों में आ जाता है वो फोटो। तो कहीं ना कहीं गाइज मुझे नहीं लगता जूंत्रा दास के जितने भी फोटोज़ हैं वो किसी भी तरह का कोई हेट डालते हैं या फिर कोई भी तरह का वायलेशन क्रिएट करते हैं। सब नॉर्मल फोटोज़ हैं, चाहे ये वाला फ़ोटो हो, बहुत ब्यूटीफुल फ़ोटो है, किसी भी तरह का कोई इसमें हेट नहीं है मेरे हिसाब से। आपका नज़रिया अलग हो सकता है, मैं आपके नज़रिए की भी रिस्पेक्ट करूँगा, क्योंकि देखो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। मैं इस इंडस्ट्री में मतलब बहुत ही दिनों से जानता हूँ, बहुत ही चीज़ें मैंने देखी हैं, तो मुझे पता है कि बेसिकली बोल्ड फ़ोटोशूट में क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो एक सिंपल बोल्ड फ़ोटोशूट बेसिक सा है, और इस फोटो में किसी भी तरह का कोई भी गलत नहीं है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई गर्ल अगर इस नॉर्मल पोजीशन में भी चलते हैं, आप पीछे से जा रहे हैं, तब भी तो आपको इसी तरह का पोज दिखेगा ना, तो फिर कैसे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं? सिंपल सा है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई किसी भी तरह के फ़ोटोशूट में कोई प्रॉब्लम है, सारे फ़ोटोज़ अच्छे हैं। ये एक जिम का फ़ोटो है, जिम ड्रेसअप है, नॉर्मल काफ़ी सही है, सब डिसेंट हैं, योगा करते हुए हों चाहे यूनिक पोज के साथ हों, सब नॉर्मल फ़ोटोज़ हैं। ये भी एक नॉर्मल फ़ोटोज़ के अंदर ही कंसीडर किया जाएगा। और एक चीज़ और, जो फ़ोटोज़ बिल्कुल डिफरेंट होते हैं ना, वो अलग से दिख जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रणवीर सिंह ने बोल्ड फ़ोटोशूट के जरिए से जिस तरह से वो फ़ोटो दिखाया था, वो कहीं ना कहीं बोल्ड का लेवल हाई बोल सकते हैं हम, पर कहीं ना कहीं गाइज वो थोड़ी सी नेगेटिविटी फैलाता है आज के टाइम में। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो वो भी एक बोल्ड फोटोशूट के अंदर ही कंसीडर किया जाए, क्योंकि बोल्ड का मतलब ये है कि आप एक ऐसा फ़ोटोशूट कराएं जो आपकी निडरता को दिखाए, जो आपको ये दिखाए कि भाई ये बंदा कुछ भी कर सकता है, ये उन बंदों में से है जो कुछ भी कर सकता है। क्योंकि ऐसे फ़ोटोशूट कराना हर एक नॉर्मल इंसान के बस की नहीं होता भाई, अगर बस की होता तो आप करा के देखो, आपको आप एक नॉर्मल फ़ोटो डालने में भी आप सोचते हो यार कैसे इसको और अच्छा करके डालूं, या अच्छा नहीं लग रहा इसमें, ये दिख रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बेसिकली गाइज बोल्ड फ़ोटोशूट इंडस्ट्री अलग है, फ़ोटोशूट अलग है, तो मुझे नहीं लगता कि इस बेसिस पे किसी को जज करना चाहिए। और दूसरा, वैसे तो सिंगर काफ़ी अच्छे हैं, और जिस तरह का जो प्रोमो हमने देखा वो भी काफ़ी अच्छा है, बाकी अब एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। मेरा तो बस यही कहना है कि किसी भी तरह का कोई हेट मत स्प्रेड करो किसी भी सिंगर को लेकर, और बेसिकली उसके फ़ोटोज़ से उसको जज नहीं करना चाहिए, उसकी रियल पर्सनैलिटी क्या है उसी से हमें उसको जज करना चाहिए। आई होप आपको छोटी सी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, आपको पता चला होगा कि भाई चल क्या रहा है। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।